वतन हमारा ऐसा है, वतन हमारा ऐसा है कि कोई छोड़ ना पाए, वतन हमारा ऐसा है कि कोई छोड़ ना पाए, रिश्ता हमारा ऐसा है कि कोई तोड़ ना पाए, दिल हमारा एक है, एक हमारी जान है, हमारा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की हम शान है। माय डियर फ्रेंड, टुडे इट्स अ वेरी स्पेशल डे बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। एंड जो हम खुशियां मना रहे हैं, इस खुशियों के पीछे इसका जो पूरा क्रेडिट है वो हमारे बुजुर्गों को जाता है, वो हमारे बड़ों को जाता है। 1947 से पहले हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने बहुत जुल्म सहे हैं अंग्रेजों के, और उस टाइम पर उनको लगा कि जितने जुल्म हमने सहे हैं आते, लेकिन हमारे आने वाली जो नस्ल होगी ये जुल्म उनके ऊपर ना हो। जब वो इस दुनिया में आए, हिंदुस्तान में आए, पैदा हो, तो कम से कम वो फ्रीडम की सांस ले सके, वो आज़ादी की सांस ले सके। और उन्होंने 1947 से पहले अपनी गर्दन को कटवाना पड़ा, अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, तब जाकर हमें एक दिन मिला जिसको बोला गया था 1947, ये आज़ादी हमें तब मिली है। बताया जाता है कि दिल्ली से लेकर मेरठ तक कोई पेड़ ऐसा नहीं बचा था जहां पर लाश ना टंगी हो, हर एक बंदे की, बहुत सारे लोगों की लाश टंगी हुई थी, तब जाकर हमें ये एक ऐसा दिन मिला है जहां पर हम खुशियां मना सकते हैं और बड़े आसानी के साथ दिल खोल कर जी सकते हैं। हिंदुस्तान है वो एक टॉप नंबर पर आ गया, इसको यूनिक कंट्री कहा जाता है। इसको कहा जाता है कि जितने भी देश हैं सारे देश में से सबसे अलग, सबसे प्यारा हिंदुस्तान है। लेकिन क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर कई तरह के फूल हैं, रंग बिरंगे फूल हैं। अब फूल कहने का मतलब है कि इंडिया के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। और यही इसकी खूबी है कि पूरी दुनिया में लोग पूछते हैं आउट ऑफ इंडिया कि हाउ इट इज पॉसिबल दे आर लिविंग टुगेदर इन इंडिया मैनी रिलीजन्स, कैसे लोग रहते हैं कि कई तरह के, कई रिलीजन्स के लोग रहते हैं, कई मजहब के लोग रहते हैं और टुगेदर रहते हैं, एक साथ कैसे रहते हैं। और इसीलिए कहा गया सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। क्यों कहा गया? लेकिन आज की तारीख अगर उठा के देखें 1947 से लेकर आज, तो आज कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिशियन हैं, अपनी कुर्सी के चक्कर में पावर को पाने के लिए हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा कराने के लिए तैयार रहते हैं। आज वो लोग सिर्फ और सिर्फ अगर उनको चाहिए होता है तो सिर्फ गद्दी चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है। वो बड़े बड़े उकसाने वाले भाषण देते हैं, भड़काने वाले भाषण देते हैं और हिंदू और मुस्लिम में आपस में लड़ाई हो जाती है। उसके बाद हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते हैं, लड़ने के बाद एक माँ अपना बेटा खो देती है। लेकिन वो नेता जो कैमरे में बैठकर एक महफूज जगह से मैसेज देता है, भड़काने वाला मैसेज देता है पब्लिक को, उसकी औलाद भी एकदम सही सलामत रहते हैं, उसकी औलाद, उसके बच्चे सब बाहर विदेश में पढ़ रहे होते हैं और हम लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। नुकसान किसका होता है? हम जैसे लोगों का, आम पब्लिक का। और वो नेता लोग, उनको मिलता है पैसा, उनको मिलती है पावर, उनको मिलती है सत्ता, उनको मिलती है कुर्सी, उसके बावजूद भी हम लोग समझ नहीं पाते। इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि अगर हमें एक अच्छा देश चाहिए, और कोई भी देश पूरी दुनिया में वो तरक्की नहीं कर सकता जहां पर भाईचारा ना हो, जहां पर हार्ड वर्क ना हो, मेहनत ना हो, जहां पर एक दूसरे से मोहब्बत ना हो, वो कोई भी देश हो सकता है वो तरक्की नहीं कर सकता। अगर इंडिया तरक्की कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ तब कर सकता है जब एक मुसलमान के दिल में अदर रिलीजन्स रहते हो, एक मुसलमान के दिल में सारे हिंदूज रहते हो, सारे सिख रहते हो, सारे ईसाई रहते हो और बड़े प्यार की नज़रों से वो देखता हो, और सच्चा और अच्छा मुसलमान भी वही हो सकता है। सच्चा और अच्छा हिंदू भी वही है कि उसके दिल में सारे मजहब के लोग रहते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको वो एक साथ लेकर के चलता हो, सच्चा और पक्का हिंदू भी वही है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक फैमिली में चार भाई बहन रहते हैं, चार भाई रहते हैं, दूसरी फैमिली में भी चार भाई रहते हैं, एक फैमिली में चार भाई आपस में डेली लड़ाई होती है, डेली एक दूसरे को ताना बाना करते हैं, डेली नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंक रखते हैं, और बताइए कि वो लोग आबाद होंगे या बर्बाद होंगे। इसी तरीके से दूसरी फैमिली है जहाँ पर चार भाई रहते हैं, वेल एजुकेट हैं, एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, पॉजिटिव थिंक के ऊपर बात करते हैं, अच्छा सोचने के लिए बात करते हैं, एक दूसरे को अच्छी नज़रों से देखते हैं और सोचते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये आगे बढ़े, मेरी दुआ इसके साथ है, तो वो देश आबाद होगा कि बर्बाद होगा। सेम यही सिचुएशन, सेम यही कंडीशन हमारे पूरे देश पे भी लागू होती है। अगर हम सब लोग, हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ मिलकर रहें, तो हमारा देश बहुत आगे तक जा सकता है।